एक ही केस के अंदर तीन जगह एफआर करके और उसे पास्ता में कन्वर्ट करके जो एक केस को लंबा खींचा जा रहा है, ये सिर्फ माइनॉरिटी के एक हमारे एक मुक्ति ऐसा समझे है कि जो भी इसके पीछे जो एक्चुअल इसके जो भी उन्होंने स्पीच दी थी वो इसराइल के खिलाफ की थी, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है जानबूझ के वो माइनॉरिटी है करके बोल के उनको तकलीफ दे के 7-8 महीने से केस को लंबा खींचा जा रहा है। अगर आने वाले दिन में हमारे मुफ्ती साहब को अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमारी गवर्नमेंट से और कानून जो भी ये है उनको जो अलग अलग केसेस डाल के जानबूझ के उनके पे लंबा प्रोसीजर करके उनको जो अंदर डाल के खाली एक माइनॉरिटी है बोल के वो तकलीफ दे रहे हैं। क्या इसके पहले क्या इधर स्पीच ऐसी नहीं हुई, लेकिन फिर भी खाली एक मुसलमान है करके बोल के उनको जो तकलीफ देने का जो ये सरकार या इसके पीछे जो स्कीम बना के जो ये सरकार और उनके पीछे जो भी ऑफिसर्स है जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो समझे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के पीछे कोई ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उनके साथ में है और इंशाल्लाह आने वाले दिन में अगर ये जुल्म को रोका नहीं जाएगा तो हम कानून से और हमारे जो ये गवर्नमेंट से हमारी चेतावनी है कि हम पूरे रोड पे उतरेंगे। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।